अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आज 8 अगस्त है और जिन दोस्तों की, बहन भाइयों की आज सालगिरह है, उनको सालगिरह मुबारक हो। और कहते हैं कि हमेशा अच्छी बातें करो, कुलू लिन्ना से हुसना। दोस्तों, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, थोड़ी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आप उसमें मुशावरत में शामिल हैं, कि क्या हमारे पाकिस्तान में स्मार्ट मार्शल लॉ लगा हुआ है? ये सवाल या निशान है। इसका जवाब आपने भी देना है, मैं भी देता हूँ, आपने भी देना है कि मार्शल लॉ की जो एक नई किस्म आई है स्मार्ट मार्शल लॉ, एक तो जनरल ज़ियाउलहक का मार्शल लॉ था, अयूब खान का था, परवेज मुशर्रफ का था, ये स्मार्ट मार्शल लॉ क्या है? जी वाह, एक नई इस्तलाह आई है। इसके मुझे बड़े मैसेज भी आए हैं और इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन ये मैं साथ, मुझे इजाज़त हो मैं चाय भी पी लेता हूँ, लेकिन सू की आवाज़ नहीं आएगी। कुछ कहते हैं जी आपकी आवाज़ आती है, मैंने कहा भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो ये होता है ना एक दूसरे को समझाने वाली बात। दोस्तों, स्मार्ट मार्शल लॉ से पहले मैं बताऊं कि वो लतीफ़े अभी जारी हैं सोशल मीडिया पे, जो इन्होंने नक्शे की तब्दीली का ड्रामा किया है ना हुकूमत ने। और एक बात है, चले तुम आराम से कर दो, लेकिन उसको इतना हाइप क्रिएट किया है कि नक्शे में जनाब मकबूजा कश्मीर शामिल कर दिया, जैसे यकीन करो यही लग रहा है जैसे हमने कश्मीर कब्जा कर लिया है, वापस ले लिया, फतेह कर लिया, यानी नक्शे में। अभी मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया है कि सर वो एक पड़ोसी का घर है, वो मैंने अपने नक्शे में शामिल कर लिया, अब वो पड़ोसी घर खाली नहीं कर रहा तो मुझे बताओ मैं क्या करूं। ठीक है जी। और इसी तरह करीब चाह रहे हैं उनके जी नक्शे में इंडिया को जर्मनी के साथ लगा दिया जाए और जर्मनी को इंडिया पे ले आया जाए, तो हमारा ये मसला हो जाएगा, इंडिया से दुश्मन भी खत्म हो जाएगी। तो एक ऐसी जो गैर हकीकी चीज़ होती है ना, जब आप उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, उसका वो इतना प्रोपेगंडा करते हैं सारा कुछ, और मीडिया भी उसके ऊपर लग जाता है, तो वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, तो फिर अजीब सी बात होती है। ये नक्शे में तब्दीली, भाई ये तो इंडिया ने तो पहले दिन से ही अपने नक्शे में सारा कश्मीर डाला हुआ है, अब उन्होंने अमली तौर पे आईन में तरमीम करके तो कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया, हमने नक्शे में उसके लिए कर दिया, तो ये मजाक है ना, ये मजाक है। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूं स्मार्ट लॉकडाउन। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं पीपल्स पार्टी, अपोजिशन और हुकूमत में इट खड़क्का है, इट खड़क्का, ठीक है ना, इट वाला वैर नहीं कहता मैं, इट खड़क्का कहता हूँ, नहीं तो वो कहते हैं वो द इट फलाने द वैर है जी, वो नहीं कहता, वो गलत लफज आ जाते हैं ना, गलत लफज कभी इंशाल्लाह मैं मुंह से नहीं बोलूँगा। तो इट खड़क्का है अपोजिशन का और हुकूमत का, और मरने मारने की बातें हो रही होती हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा बिल आता है तो अपोजिशन ढेर हो जाती है और जाके सलाम करती है और सारा कुछ करती है। तो स्मार्ट लॉकडाउन का वहाँ से मतलब निकलता है ना, कि जनाब पहले जब बाजवा की वो आइन में तरमीम करनी थी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, तो सारे पहले आर्टिकल लिखे गए सियासत लोगों की तरफ से, बड़े बड़े सहाफ़ियों की तरफ से, कि ये मुश्किल है जी, ये नहीं होगा, लेकिन वो एक फ़ोन जाता है और सारे बिस्मिल्लाह पढ़ के साइन करते हैं और वो आइन में तरमीम हो जाती है और बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है। स्मार्ट लॉकडाउन की एक दलील। दूसरी, फिर जब ऐसे मसला आता है, ये फैट ऑफ वाला कानून आता है, तो बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, ये होता है वो होता है, रात 12 बजे तक जो ना मीटिंग्स हो रही हैं, हमने नहीं करना 12 बजे के बाद फोन जाता है और रहमान मलिक को बुलाया जाता है, काम रहमान मलिक की बाजवा साहब से मुलाकात होती है और फैट ऑफ वाले कानून पे दस्तखत हो जाते हैं। स्मार्ट मार्शल लॉ की दूसरी वजह। अब तीसरी वजह, आल पाकिस्तान कश्मीर की कॉन्फ्रेंस होती है, वजीर खारजा बुलाते हैं
और रात को 12 बजे वो फोन करते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि सुबह कॉन्फ्रेंस है, और ये दौड़े दौड़े सारे चले जाते हैं। तो क्या ये भी स्मार्ट मार्शल आई है ना। और उसके बाद मजे की बात यह है कि इमरान खान हर तकरीर के बाद कहता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मेरे ख्याल वो कहता है कि मैं इनको अपने पास ही रखूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मोहब्बत से कहता है, मोहब्बत से भी कहता है ना, हम आपको नहीं जाने देंगे भाई। तो इमरान कहता है जी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे ख्याल प्यार से कहता है और हम उसका उलट मतलब समझते हैं। तो दोस्तों ये हुआ। फिर अभी एक ये नक्शे वाला बिल वगैरह पास किया गया, तो उसके ऊपर भी ये नहीं कि किसी चीज के ऊपर भी हुकूमत जब चाहती है और ये सारा जनाब ढेर हो जाते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम और ये लें जी। तो फिर इसका क्या मतलब है। और फिर अब जितने सिविल इदारे हैं, NDMFA फलाना ये वो, अब तो कचरे वगैरह भी यही सफाइयाँ हो रही हैं, वहाँ सारे जनाब ब्रिगेडियर और ये सारे बैठे हैं बड़े बड़े इदारों में। स्टील मिल का भी अभी ब्रिगेडियर को इंचार्ज बना दिया गया है, और PIA का भी वो अरशद साहब जो है वो भी एयरफोर्स के हैं। तो 80% इदारों के सरबराह जो है इस वक्त वो आर्म्ड फोर्सेस से हैं। ठीक है, वो कोई हम ये नहीं कहते कि बुरे हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर मसलन पंजाब यूनिवर्सिटी है तो इसके ऊपर हक उसके है ना, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है। ऊपर से एक जनरल आके, जनरल अरशद साहब आ गए थे, वो आके वो बन जाए वाइस चांसलर बन जाए, तो उनका हक सिविलियन का मारा जाता है ना, जबकि वो तो अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं। अब इसी तरह इसमें भी ये इमरान खान की काबीना में भी ऐसे ही आसिम सलीम साहब को बड़ा ओहदा दिया गया है वजीर इत्तलात वगैरह के बराबर। फिर जनाब ये ब्रिगेडियर एजाज शाह है, फलाना है ये वो। तो ये सारे अब ये तासुर बन गया है कि पाकिस्तान में जो कोरोना के खिलाफ स्मार्ट लॉकडाउन किया था, जिसका क्रेडिट हुकूमत ले रही है, कोई हुकूमत का क्रेडिट नहीं है लेकिन ले रही है। अब ये हकूमती हलके ये बात फैलाते हैं कि जनाब स्मार्ट मार्शल आ भी लगा हुआ है, इस हकूमत को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मार्शल आ वाले इनके साथ हैं। वरना देखें 2/3 मेजॉरिटी नवाज शरीफ की, तो वो जनाब डर रहा होता है कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद ना आ जाए और मेरी हुकूमत ना गिर जाए और मैं पत्नी पूरा टेन्योर पूरा करता हूं कि नहीं करता, नहीं करते, बल्कि किसी ने भी वजीर आजम ने टेन्योर पूरा नहीं किया। तो इमरान खान 4 सीटों की अक्सरियत से बैठा है और आधा टेन्योर इसने पूरा कर लिया है, तो स्मार्ट मार्शल आ तो है ना सर, स्मार्ट मार्शल आ ही है ना, वरना ये काफ लीग वाले इसके साथ बैठते, जरा सा कोई होता है तो जनाब टेलीफोन आ जाता है, तो स्मार्ट सा टेलीफोन आता है और बात हल हो जाती है। MQM वाले कोई पर पुर्जे निकालते हैं, स्मार्ट फोन आता है, मसला हल हो जाता है। तो दोस्तों ये आम तासुर है और ये तासुर बड़ा गहरा होता जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में स्मार्ट मार्शल आ लगा हुआ है, इसलिए ये हुकूमत काम भी करवाती है। वो कहते हैं 100 गंडे भी खाने पड़ते हैं, 100 जूते भी खाने पड़ते हैं, अपोजिशन वाले वहां जाके मुत्तफिका बिल भी बना देते हैं और अगले दिन इमरान खान कहता है इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी कि उधर से कोई लचक नहीं है, लेकिन ये ढेर हो जाते हैं, रात को 12 बजे फोन आता है कि जी सुबह मीटिंग है, तो ये चले जाते हैं। और खुद ये शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा है। तो अमली तौर पे पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की तरह स्मार्ट मार्शल आ लगा हुआ है, आप अवाम बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये क्रेडिट भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरह स्मार्ट मार्शल आ का क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है। और ये जो पब्लिक ओपिनियन है कि जनाब स्मार्ट मार्शल आ लगा हुआ है, तो मेरी भी यही ओपिनियन है। अब आपकी क्या ओपिनियन है आप बताएं, कि आपको भी लगता है कि ये 4 सीटों से जीता हुआ शख्स
सिर्फ चार से इत्मीनान से बैठा है और अपोजिशन को सुबह शाम गालियां दे रहा है, बजाय ये कि अपोजिशन के मिन्नत तरले करे, गालियां देता है कि जनाब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कभी इमरान खान को आप नहीं देखेंगे, वो तो ये इधर काफ लीग वालों को आके नहीं मिलता लाहौर में आके। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि स्मार्ट मार्शल ला है और इमरान खान जो है ना अपने आप को बड़ा महफूज समझता है और वो कहता है कि इनकी मुझे मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक आदमी के मिन्नत तरले कर लो, इनकी मुझे ये बिलावल भुट्टो शबाज, ये फजल रहमान, ये MQM, ये काफ लीग, ये इनकी करनी ही नहीं है। बिल्कुल उसने इसको उल्टा समझ लिया है कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो इमरान खान ने कहा है कि एक ही बड़ी चीज़ पकड़ लो और उससे वो मसले हल करवा रहे। अब मैं तो समझता हूँ उन्हें किसी किस्म के बिल में दुश्वारी नहीं आएगी क्योंकि स्मार्टफोन इस्तेमाल करेंगे और वो स्मार्ट तरीके से काम हो जाता है। तो आप इसके ऊपर ज़रा कमेंट्स करें, ओपिनियन दें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।